नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ टमाटर और इमली का अचार। टमाटर और इमली का अचार बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कटा हुआ टमाटर 500 ग्राम, इमली 200 ग्राम, पिसा अदरक 1 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, पिसा धनिया 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, सौंफ 1 चम्मच, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 नग, मेथी दाना 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, पिसी काली मिर्च 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, सरसों या राई 1 से 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सोडियम बेंजोएट 1 चम्मच, कलौंजी 1/2 चम्मच, चीनी 1 से 2 चम्मच, दालचीनी टुकड़ा 3 से 4, तेज पत्ता 3 से 4, लौंग 4 से 5, हींग 1/4 चम्मच, तेल 5 से 6 चम्मच। सबसे पहले टमाटरों को धोकर पोंछ लेंगे और 4 भागों में काट लेंगे। इमली को भी हम साफ कर लेंगे। अब इमली और कटे हुए टमाटरों को एक अमृतबान में भर देंगे और 1 बड़ा चमचा नमक डालकर मिला देंगे। इसको हम 3 से 4 दिन के लिए रखेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब इमली के पानी से टमाटरों को अलग करके धूप में सुखा लेंगे जब तक कि वो सख्त ना हो जाए, और इमली के पानी को भी धूप में ही रखेंगे। इसको सुखाने में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। इमली के पानी को हम कम दिन तक ही धूप में रखेंगे। अब इमली के पल्प को बारीक मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, सौंफ, राई, मेथी दाना, धनिया, हल्दी स्वाद अनुसार लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, अदरक, हींग, भुना जीरा, कलौंजी डालकर 30 सेकंड के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। अब इसमें इमली का पल्प और सूखे हुए टमाटरों को डालेंगे और मध्यम आंच पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें काली मिर्च, चीनी डालकर एक बार फिर से चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक। इसको बनाने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अब गैस को बंद कर देंगे और अचार को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसमें सोडियम बेंजोएट डालकर अचार में अच्छे से मिला लेंगे। अब एक अमृतपान में अचार को भरकर ढक्कन लगाकर रख देंगे और आप इसको चावल, पराठा, पूड़ी, रोटी आदि के साथ परोस सकते हैं। इसको बनाकर आप 4 से 5 महीने के लिए रख सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।